थोड़ा होता है वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं। नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लवली पर्सन। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस वक्त पूरा देश जहां चुनाव और राजनीति की बात कर रहा है, तो वहीं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है। हालांकि अक्षय ने हाल ही में एक ट्वीट कर बताया था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे उन्होंने अभी तक नहीं किया। उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि अक्षय पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद अक्षय ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके दी है। ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है और लोग इस इंटरव्यू का सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। नमो नमो, वोट फॉर बीजेपी, स्वरा भास्कर से बात करनी पड़ेगी मेरे इंटरव्यू के लिए, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे मोदी जी, आई एम 100% श्योर आएगा तो मोदी ही, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम कश्मीर, Nice to see you with our beloved PM Mr. Narendra Modi sir. This is incredible and proud moment for all of us. Good going Akshay Kumar sir. Thank you so for India proud. उधर केजरीवाल ने भी KRK को इंटरव्यू देने की तैयारी कर ली है। What a frame, two legendary in a one frame. I'm shocked Praji, जान लोगे बच्चे की। तो देखा आपने अक्षय और PM मोदी के इस इंटरव्यू पर लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिए हैं। कुछ ने अक्षय की तारीफ करते हुए केजरीवाल की खिल्ली उड़ाई है, तो किसी ने राहुल गांधी की फोटो पर मीम्स बना डाला है। वेल, आपको अक्षय का पीएम मोदी के साथ ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी, तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था, यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजेनिक की है, कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है, शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो अच्छी यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब
नेचुरली रहा है इसमें? वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका है, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था कुछ ना कुछ। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं, तो हमने अपना, अरे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रासविहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। अच्छा। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ, तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था, अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे, विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे, तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था, ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी, मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है, अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो, वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है, इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है,
अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक अलग चीज है। मैं स्ट्रिक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको गुस्सा इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी।